लगे कि हाँ इसको कुछ हो रहा है, एंड अगर हार्ट अटैक है तो ऐसे होता नहीं लोग माउथ टू माउथ देते हैं ऐसे चेस्ट प्रेस करते हैं, वो क्या वो कार्डियक अरेस्ट वाली स्टेट हो गई। हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है अगर आपका पूरा कंप्लीट हार्ट पंप करते हुए रुक जाए, अगर वो रुक जाएगा सो आप उसके बाद में आप 30 सेकंड आप बेहोश हो जाओगे। विदिन 30 सेकंड आप बेहोश हो जाओगे, आपका ब्रेन में ब्लड, सारी बॉडी में ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। और हार्ट अटैक इज जस्ट लाइक अगर आपकी 2-3 उंगलियां काम नहीं कर रही है, राइट। सो हार्ट अटैक ये हो सकता है कि बाकी सब काम कर रहा है, सिर्फ एक हार्ट का छोटा हिस्सा काम नहीं कर रहा, और कार्डियक अरेस्ट होगा पूरा बंद। सो वो डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट में आप CPR देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक रुका हुआ हार्ट अगर कुछ देर तक भी रुक गया, एक मिनट भी रुक गया, तो उसको वापस लाना और मुश्किल। एवरी सेकेंड काउंट्स। सो कार्डियक अरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट कंप्रेशन। माउथ टू माउथ भी उतना जरूरी नहीं है जितना चेस्ट कंप्रेशन है। इमीडिएटली अगर आपको पल्स नहीं फील हो रही, कैरोटिड पल्स नहीं फील हो रही, या छाती पे कान लग के आपको कोई हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही, सो इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन, अगर आप स्टर्नम पे आप दोनों हाथ रख के, हाथ सीधा रख के आप उसको एक से दो इंच तक दबाते जाते हैं लगातार, एक मिनट में 120 times, सो हो सकता है उसकी जान बच जाए, सो हार्ट चालू हो सकता है, और उस दौरान आप बाकी इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाओ। तो कार्डियक अरेस्ट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बट ऐसा नहीं है कि हिलता हुआ आदमी कार्डियक अरेस्ट में ही होगा, उसको दौरा पड़ सकता है, मिर्गी का दौरा हो सकता है, पैनिक अटैक हो सकता है। सो ये डायग्नोसिस करना भी जरूरी है। तो इसीलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है सारी दुनिया भर के लोगों को, कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा आइडिया हो कि काम कैसे करती हैं चीजें, राइट। दैट्स माय मोटो कि हेल्थ लिटरेसी इंडिया के अंदर बहुत जरूरी है।